अच्छा अब देखिए तीसरे में क्या है, जे रहीम गति दीप की, जे रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो कोए। अब देखिए इसमें उजियारो, इसमें क्या हो जाएगा उजियारो, उजियारो मतलब क्या हो गया उजाला, उजियारो मतलब उजाला है ना, उजाला। अब इस पर क्या है बढ़े, बड़े अंधेरो होए है ना, बड़े बड़े है ना, बड़े इसमें बड़े अंधेरो होए, इसमें क्या दिया हुआ है बड़े 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 मतलब क्या हो जाएगा बढ़ाना, बड़े मतलब बढ़ाना। अब यहाँ पर जो ये कविता के आधार में दिया है बड़े अंधेरो होए मतलब दीपक को बुझाना, क्या हो जाएगा दीपक को बुझाना, दीपक को बुझाना ठीक है, दीपक को बुझाना ठीक है। ये इसे बड़े दीपक मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये दो एक के हिसाब से क्या हो जाएगा दीपक को बुझाना ठीक है। अब देखिए जो रहीम गति दीप, दीप मतलब दीपक, दीप मतलब दीपक, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति होए, मैंने कहा रहीम दास जी कहते हैं इस पंक्ति के अनुसार कि दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का चरित्र होता है, मतलब दीपक का चरित्र के जैसा ही क्या होता है कुपुत्र का चरित्र होता है ठीक है। बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए, मैंने कहते हैं जैसे है ना दोनों दोनों ही पहले यानी दीपक और जो कुपुत होता है दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, दोनों क्या करते हैं पहले पहले उजाला करते हैं है ना, अच्छा उजाला करते हैं, बड़े अंधेरो होए मैंने कहते हैं दोनों उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है अंधेरा होता है ना होता जाता है। मैंने कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का चरित्र होता है, दीपक का चरित्र जैसा ही क्या होता है कुपुत्र का चरित्र होता है ठीक है। कुल कपुत गति सोए बारो उजियारो लगे बड़े अंधेरे होए, माने दोनों ही पहले उजाला करते हैं और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो क्या होता है अंधेरा होता जाता है ठीक है। आगे देखिए तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। माने रहीम दास जी कहते हैं जैसे तरुवर, इसका तरुवर मतलब क्या हो गया तरुवर मतलब पेड़ पौधे, तरुवर मतलब पेड़ पौधे, तरुवर मतलब पेड़ पौधे ठीक है। तरुवर फल नहीं खात सरवर, सरवर मतलब तालाब, सरवर मतलब तालाब, सरोवर मतलब क्या हो गया तालाब, सरोवर मतलब तालाब है ना, अच्छा सुजान, सुजान मतलब हो गया सज्जन व्यक्ति, सुजान मतलब सुजान हो गया सज्जन व्यक्ति, सुजान सज्जन व्यक्ति, सुजान सज्जन व्यक्ति ठीक है, सुजान हो गया सज्जन व्यक्ति। अब देखिए हाँ तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर मतलब क्या हो गया पेड़ पौधे है ना, फल नहीं खाते है माने सरोवर, सरोवर मतलब हो गया तालाब, पियही न पान, पियही मतलब नहीं पीते हैं, सरोवर मतलब हो गया तालाब है ना, अब पियही मतलब जो अपना पानी नहीं पीते हैं। कहीं रहीम पर काज ही थे, काज मतलब क्या हो जो जो दूसरों का परोपकार माने परोपकार करना है ना, अच्छा संपत्ति संचयी सुजान माने क्या हो जाएगा संचयी मतलब क्या होता है इकट्ठा करना, संचित करना माने इकट्ठा करना, और सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति ठीक है। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहना चाहते हैं तरुवर फल नहीं खाते हैं, जिस तरह से जो फल हो जो जो पेड़ पौधे होते हैं अपने क्या होते हैं अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, पेड़ पौधे अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर पियही ना पान, सरोवर जो तालाब है वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, क्योंकि ये जो पानी और जो ये जो पानी हो गया और जो फल हो गया ये दोनों क्या होते हैं परोपकार के लिए होते हैं है ना ठीक है। अच्छा कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सजई सुजान, रहीम दास जी कहते हैं जो सुजान, सुजान जो सज्जन व्यक्ति हैं जो अपने धन को जो इकट्ठा करके रखते हैं वो क्या करते हैं वो दूसरों के लिए क्या क्या करते हैं वे दूसरों के हित में क्या करते हैं वो परोपकार के लिए, जो जो सज्जन व्यक्ति है उसके जो धन होते हैं वो दूसरों व्यक्ति के परोपकार के लिए ही होता है ठीक है। इसी कारण
इसलिए क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, है ना नहीं खाते हैं, और जो तालाब है, जो तालाब नदी अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, क्योंकि ये जो क्या होता है, ये जो पानी और ये जो फल है और जो पानी दूसरे के परोपकार के लिए होता है, उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने धन जो इकट्ठा करते हैं वे गरीबों की मदद यानी परोपकार के लिए ही वो क्या करते हैं, अपने धन को संचय करते हैं।